हेलो दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। दोस्तों, कितने ही लोग हैं जो अपना गोल बनाते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद रुक जाते हैं। स्टूडेंट्स को भी मैंने देखा है गोल बनाते हुए, मैंने बिजनेसमैन को भी गोल बनाते हुए देखा है, मैंने एंटरप्रेन्योर को भी, कॉर्पोरेट के लोगों को भी मैंने गोल बनाते देखा है, और मैंने इंडिविजुअल्स को भी गोल बनाते देखा है, लेकिन कुछ समय उस पर काम करने के बाद वो रुक जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते। ऐसा क्यों होता है? यदि आप अपने लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं, आप अपने जीवन को और बेहतर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, अंत तक देखिएगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मनुष्य कभी भी एक जगह पर नहीं रहना चाहता, यानी यथास्थिति में नहीं रहना चाहता, वह हमेशा प्रोग्रेसिव रहना चाहता है, वह हमेशा कुछ नया करना चाहता है, और वो चाहता है कि हर रोज नई सुबह, नई एनर्जी, नए उत्साह के साथ अपने गोल को पूरा करे। दोस्तों, पशु कभी भी गोल नहीं बनाता, पशु कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहता, पशु कभी भी चेंज नहीं चाहता, जबकि मानव के पास ये इंस्टिंक्ट, ये इच्छा इनबिल्ड होती है, वो हमेशा निरंतर प्रोग्रेस करने के मूड में रहता है, निरंतर कुछ बेहतर करने के मूड में रहता है। इसलिए इस वीडियो में दी गई टेक्निक्स को बड़े ही ध्यान से सीखिएगा और अपने जीवन में इंप्लीमेंट कीजिएगा, ताकि आप अपने आप को बेहतर बना सके, सक्षम बना सके और सतर्क बना सके। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम गोल तो बनाते हैं, परंतु वो पूरे क्यों नहीं होते। दोस्तों, हमारे पास दो माइंड हैं, सब कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड। दोस्तों, दोनों ही माइंड हमें हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं, और जब तक इन दोनों के पास आपके गोल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं होंगी, तब तक ये दोनों एक साथ अलाइंड नहीं होंगे और ये आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। अब देखिएगा कि ये दोनों समझते कैसे हैं, इन दोनों के पास मैसेज आता कैसे है। देखिए, जब कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड के पास आपने कोई भी गोल बनाया तो आपने उसकी मीन वैल्यूज के साथ में गोल बनाया और वो उसने गोल ले लिया। आपने गोल बनाया, जैसे कि आपकी इच्छा है कि आपने कोई गाड़ी लेनी है, या आपने घर लेना है, या आपने कोई बिजनेस शुरू करना है, ये आपका गोल हुआ। कॉन्शियस माइंड आपकी मीन वैल्यूज के साथ में आपका गोल क्रिएट कर देता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के पास इस तरह से गोल क्रिएट नहीं होता। उसके पास गोल क्रिएट करने के लिए आपको एंड वैल्यूज पे फोकस करना होगा। एंड वैल्यूज क्या होंगी? कि उस गोल से मिलने वाला बेनिफिट आपको क्या है, उससे आपकी, आपको क्या फीलिंग्स होने वाली हैं, आपको क्या इमोशंस मिलने वाली हैं, आपके अंदर क्या सेंसेशन होने वाली हैं, यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उन सेंसेशंस में, उन फीलिंग्स में और उन इमोशंस में आपके साथ में अटैच होगा। तो जब तक आप अपने गोल को मीन वैल्यू के साथ लेकर के और एंड वैल्यू तक अटैच नहीं करेंगे, तब तक आप उसके साथ कंसिस्टेंट वर्क नहीं कर सकते। यही वजह है कि लोग मेन वैल्यूज के साथ में अपना गोल बना लेते हैं और एंड वैल्यूज के साथ में सबकॉन्शियस में उस गोल को इंस्टॉल नहीं करते हैं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब आप इमोशनली उस चीज के साथ अटैच होते हो तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है अंदर से, आप एक कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए वो मोटिवेशन आपको हेल्प करता है। जैसे आपका अपना गोल है कि आपको कार खरीदनी, तो कार क्यों खरीदनी है, उसके पीछे इमोशनल अटैचमेंट क्या है, अपनी फैमिली के लिए आप ले रहे हो, या तो आपकी फैमिली आपके लिए वैल्यू होगी, आपकी फैमिली की सेफ्टी आपके लिए वैल्यू होगी। वही यदि वो गाड़ी आप अपनी पर्सनल उसके लिए ले रहे हो, तो आपकी खुद की वैल्यू उसके साथ अटैच होती है। तो इसी तरह हमें अपने गोल से रिलेटेड एंड वैल्यूज आकर के अपने गोल के साथ अटैच करनी होगी। जब तक हम अपने गोल की एंड वैल्यूज को अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ अटैच नहीं करेंगे, तब तक हम अपने गोल पर पहुंच नहीं सकते।
दोस्तों जब आप इन इमोशंस के साथ अटैच होते हो तो ये इमोशंस आपके हार्ट के साथ अटैच होती हैं और आपके हार्ट के अंदर एक आईसीए सेल होता है। जब उसके साथ इमोशनली अटैच होते हैं आप तो वो आपके लिए एक केमिकल रिलीज करता है जिसे बॉन्डिंग केमिकल भी कहा जाता है, साइकोलॉजी की लैंग्वेज में उसे लव केमिकल भी कहा जाता है। ये बॉन्डिंग केमिकल, ये लव केमिकल क्या है कि जब आप अपने गोल को अपने इमोशंस के साथ में अटैच कर लेते हैं, आप उससे प्यार करने लग जाते हैं। जब आप उसको अपने हार्ट से अटैच करते हैं तो आपका हार्ट आपके लिए आईसीए सेल्स आपके लिए बॉन्डिंग केमिकल रिलीज करती हैं, लव केमिकल रिलीज करती हैं, जो आपको मोटिवेट करता है उसके साथ एसोसिएट करने में, आपको मोटिवेट करता है उस गोल को प्राप्त करने में, आपको मोटिवेट करता है कि किस तरह से आप नए नए आइडियाज को ईजाद करें, किस तरह कंसिस्टेंट मेहनत करें, किस तरह से अपने आप को हमेशा निरंतर। दोस्तों मैं ब्रूस लिप्टन को सुन रहा था जिसने ये बताया कि ये लव बॉन्डिंग एक मैजिकल केमिकल है जो हमारे अंदर डिस्ट्रैक्शन से हमें दूर करता है और हमारे कंसंट्रेशन को, हमारे मोटिवेशन को ग्रो करता है, कार्यरत रखें। दोस्तों 2008 की बात है, मैं 4 सेलिब्रिटी से विद इन 3 मंथ में मिला। सबसे पहले थे सचिन तेंदुलकर, उसके साथ थे हरभजन जी, फिर आए धोनी जी और उसके बाद में बाबा रामदेव। दोस्तों जब मैं चारों सेलिब्रिटी से मिला, चारों सक्सेसफुल लोगों से मिला तो उनके चेहरे पे एक यूनिक सा अट्रैक्शन था, एक ग्लो था, एक चार्म था। दोस्तों जब मैं इस चीज को ढूंढ रहा था इस ग्लो का कारण क्या है तो मैं नेपोलियन हिल की लॉ ऑफ द सक्सेस बुक में जब पढ़ी तब मेरे को पता चला कि जो ये प्यार होता है, जो दिल से अटैच जिसका गोल होता है, अपने गोल के पीछे कंसिस्टेंट मेहनत करते हैं तो उनके चेहरे पे ग्लो होता है, ये चार्म होता है और ये एनर्जी होती है। दोस्तों आप भी अपने गोल को अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ इमोशनली अटैच करें ताकि आप भी अपने आप को ग्रो कर पाए, अपने गोल को अचीव कर पाए, फील कर सकें, अपने हार्ट में एक सेटिस्फेक्शन, एक लव, एक अफेक्शन आपके गोल के प्रति फील कर सकें। दोस्तों अब बात करते हैं कि अपने इस गोल को सबकॉन्शियस माइंड के साथ कैसे अटैच करें, कैसे इस गोल में इमोशंस क्रिएट करें और कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें। देखिए दोस्तों मान लीजिए आपका गोल है एक अच्छा घर लेना या अच्छा घर बनाना। दोस्तों देखिए आप किस तरह का घर लेना चाहते हैं, क्या साइज होगी उसकी, क्या कलर होगा, क्या कितने रूम होंगे उसमें और किस रूम का क्या डिजाइन होगा, कौन सा रूम किसके लिए होगा और किसमें किस तरह से आपने फर्निश किया होगा, किस तरह से डेकोर किया होगा, इंटीरियर डिजाइनिंग कैसा होगा उसका, एक्सटीरियर कैसा होगा, ये चीजें देखिएगा। दोस्तों फील कीजिएगा कि किस तरह से आपके घर वाले आपके साथ वहां पे रह रहे होंगे, कौन कौन लोग आपके साथ रह रहे होंगे और किस तरह से उनके चेहरे पे एक सेटिस्फेक्शन का, एक खुशी का भाव होगा और क्या एप्रिसिएशन आपको मिल रही होगी उन लोगों से जो आपके लिए स्पेसिफिक है, उन लोगों के उन एप्रिसिएशन को सुनने की कोशिश कीजिएगा। जब आप ये करते हैं तो आपके पास एक इमोशन क्रिएट होगी, सेंसेशन क्रिएट होगी, सेंसेशन को सुनने की कोशिश कीजिएगा, महसूस करने की कोशिश कीजिएगा, जो हार्ट के पास में एक सेंसेशन होगी उस सेंसेशन को फील करने की कोशिश कीजिएगा। एक खुशी जैसी होगी, एक एनर्जी जैसी आएगी, उसी को केमिकल का रिलीजन कहते हैं। उसको जो अंदर से जो फीलिंग आती है वो आपको एनर्जी देती है। मैं जब अपने मेंटर्स के पास बैठा होता हूँ कई बार इन चीजों पे जब डिस्कस कर रहा होता हूँ तो मेरा मेंटर पूछता है क्या आपका गोल आपके हार्ट के नजदीक है। दोस्तों वो हमें सिखाते थे कि किस तरह से इस गोल को अपने हार्ट के नजदीक रखो, किस तरह से सबकॉन्शियस माइंड में एक एनर्जी दें ताकि आपका हार्ट आपको प्रेरित करता रहे। तो दोस्तों एक दिन मुझे डॉक्टर पॉल पर्शेल की एक बुक मिली, हार्ट को, उस बुक में बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ था जब इमोशनली आपका गोल आपके हार्ट के साथ अटैच होता है तो आपका हार्ट केमिकल रिलीज करता है,
जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखता है, जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रखता है, जो आपको हमेशा नई एनर्जी देता है। दोस्तों, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप देखिए इस पढ़ाई के बाद में, इस गोल को अचीव करने के बाद में और इस मंजिल तक पहुंचने के बाद में आपको क्या बेनिफिट होने वाले हैं, क्या आपके परिवार को बेनिफिट होने वाले हैं, क्या सोसाइटी और इस देश को बेनिफिट होने वाले हैं, उनका एक बार मुआयना कीजिए, उनको फील करके देखिए कि क्या क्या बेनिफिट होंगे आपको, क्या होंगे आपके परिवार को, कौन लोग आपके बारे में अप्रिसिएशन दे रहे होंगे, इन आवाज़ों को सुनने की कोशिश कीजिए और अपने आने वाली लाइफ के बारे में बस सोचिए, किस तरह की अपनी लाइफ होगी यदि आप लोगों को अचीव कर लिया, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, उन बेनिफिट्स को एक बार विजुलाइज कीजिएगा, अपने आप में याद कीजिएगा और फिर उन सभी इमोशंस को, उन सभी फीलिंग्स को अपने हार्ट पे देखना शुरू कीजिएगा। देखिएगा कैसी सेंसेशन हो रही है, किस तरह का आनंद आ रहा है यदि आप उस गोल को अचीव कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब इन बेनिफिट्स को आप देखोगे तो आप अपने गोल को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ अटैच कर रहे होंगे और जब आप इसको अटैच कर लेंगे तो आप अपने गोल को पूरी तरह से अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, यदि आप यूथ हैं और आप अपने गोल को एसोसिएट करना चाहते हैं तो आप मेडिटेट कीजिए और मेडिटेट करते समय ये फील कीजिए कि आप अपने गोल को किस तरह एंजॉय कर रहे होंगे, किस तरह अपने परिवार के साथ में, किस तरह अपने दोस्तों के साथ में, किसके साथ सेलिब्रेट कर रहे होंगे आप उस गोल को अचीव करने के बाद में, क्या क्या बेनिफिट हो रहे होंगे, कौन लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे होंगे, उन चीज़ों को एक बार विजुलाइज कीजिएगा, सोचिएगा और देखिएगा कि उसके बाद आपको क्या खुशी होगी जब उन लोगों की अप्रिसिएशन की आवाज़ें सुन रहे होंगे, उसकी जो फीलिंग्स होगी उसको अपने हार्ट के पास में, अपने दिल के पास में अगर फील करने की कोशिश कीजिएगा, आप उसको परमानेंटली अपने गोल को अपने हार्ट के साथ अटैच कर पाएंगे और अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने आपको मोटिवेट कर पाएंगे। और दोस्तों, यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आप एक बार मेडिटेट कीजिए, उन बेनिफिट्स को देखिए और जैसे ही आप उन बेनिफिट्स को देखोगे तो आपकी फीलिंग आपके हार्ट के पास एक सेंसेशन क्रिएट करेगी और वो सेंसेशन आपको आपके गोल के साथ एसोसिएट करेगी और साथ ही आपके दिमाग में आने वाले डाउट्स को वो इमोशंस ऑटोमेटिक साफ कर देगी, आपको किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं आएगा और आपको सक्सेस होने के नए नए आइडियाज आपको इमोशन क्रिएट करके देगी आपके सेंसेशन में। यदि आप बीमार हैं और आपका गोल एक अच्छी हेल्थ है तो दोस्तों आप देखिए किस तरह से आप अपनी हेल्दी लाइफ को जी रहे होंगे, किस तरह से आप अपने परिवार के साथ में वो हेल्दी मोमेंट मना रहे होंगे, किस तरह से सेलिब्रेशन होंगे, किस तरह की लाइफ होगी आपकी, किस तरह आप रोज एक्सरसाइज कर रहे होंगे, किस तरह से आप अपने आप को हेल्दी एनर्जेटिक बना रहे होंगे। दोस्तों, जब आप इन फीलिंग्स को, इन इमोशंस को अपने हार्ट के साथ में अटैच करेंगे तो आपकी बॉडी रिकवरी मोड में आ जाएगी, तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्सिव मोड में आ जाएगी और दवाइयाँ आप पे असर करने लगेंगी और आप देखते ही देखते स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, आज बहुत सी साइकोलॉजिकल रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि जब इमोशंस हमारे दिल में जगह बना लेती है तो वो हमारे पूरे शरीर को एनर्जाइज करती है। दोस्तों, ये टेक्निक्स यदि आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आप अपने गोल को कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के साथ पूरी तरह अलाइन कर लेंगे और आप अंदर से हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे आगे बढ़ने के लिए, नया करने के लिए और जीवन की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए। दोस्तों, आपको ये टेक्निक्स कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन दोस्तों तक जिनको आप गोल अचीव करने में सहायता करना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।